Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अन अकेडमी. मैंने वादा किया था आपसे और वादा करूं चाहे ना करूं, मैं कैसे वादा नहीं करूंगा आपसे. यार आप ये बताइए कि मैं हिंदुस्तान का निवासी हूं, आप हिंदुस्तान में रहने वाले हो, और आप क्या ये बोल सकते हो कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिन लोगों ने आराम से माथे पर गोली मार ली, जिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए लोग पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहे सिर्फ हमारे लिए, ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आजाद भारत में सांस ले सकें, अगर उनका जन्मदिन हो और मैं वीडियो ना बनाऊं तो कैसे ना बनाऊं, हो ही नहीं सकता. और आप वीडियो ना देखें तो कैसे ना देखें, हो ही नहीं सकता. मुझे मालूम है मंगल पांडे साहब से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल, लेकिन इस कारण से नहीं आज जानना इस वीडियो को. वीडियो को इस कारण से नहीं देखना है कि आज मंगल पांडे का बर्थडे है तो चलो क्वेश्चन पूछेगा तो हो जाएगा ना. ये क्वेश्चन से बढ़कर वीडियो है, ये वीडियो है मंगल पांडे को जानने का, उनको समझने का कि आखिर कौन थे मंगल पांडे. चले, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी की कुछ कविताएं हैं, चार पांच लाइन से बहुत ही प्यारी लाइन लगी, इस कारण से मैंने उनके लिखा है. मैं बोलता हूं योगेंद्र शर्मा जी की, पावन प्रबल प्रतिज्ञा कर, प्रतिबद्ध प्रहार करो या मरो, उठो वतन के वीर जवानों, भारत माँ आजाद करो. इन शब्दों का ज्ञान हुआ तो ददक उठा था देवानल, भारत माँ की धड़कन बनकर भड़क उठा था तब मंगल. मंगल पांडे साहब की बात कर रहे हैं. चले क्लास स्टार्ट करते हैं. ये देखे साहब, अच्छा ये क्लास की बात है, मेरी क्लास एक होती है डेली 12 बजे रात को, इस वीडियो को ठीक पहले हो चुकी है क्लास. आप डेली क्लास देखिए 12 बजे, आप लोग देखते हैं मुझे मालूम है, और सारे बच्चे देखते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी वाले बच्चे देखते हैं, नहीं, रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, पुलिस वाले बच्चे, स्टेट पीएससी वाले बच्चे, सारे बच्चे इस क्लास को देखते हैं. एक 6 बजे वाली क्लास मेरी और एक 12 बजे वाली क्लास, दोनों देखिए, बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए और सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है. चलिए, तो आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. आज का हमारा टॉपिक क्या है, आदरणीय मंगल पांडे के बारे में. देखिए बहुत ही शानदार फोटो आपकी स्क्रीन में, मंगल पांडे साहब की फोटो है. हम उनके चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं, और उन्होंने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए फांसी के फंदे को चूमा था ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें, हम उनके चरणों में नमन करते हैं. चले, जन्म हुआ था आदरणीय मंगल पांडे जी का 19 जुलाई 1827 को, आगे और अच्छे से लिखा है फोटो में, लिखा है तो बता देता हूं, और 8 अप्रैल 1857 को उनकी मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्ग में सिधार गए थे. और मैं यकीन से कह सकता हूं जिस दिन ये स्वर्ग गए होंगे, स्वर्ग की अप्सराएं नाची होंगी, ईश्वर खुश हो गया होगा, भगवान खुश हो गया होगा, अल्लाह खुश हो गया होगा कि देखो कौन आया है जिसने की दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना से अपनी जान दे दिए. चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मंगल पांडे जी का जन्म कब हुआ. भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुगबा नमक गांव में 19 जुलाई 1827 को, 19 जुलाई 1827 को आदरणीय मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था. उत्तर प्रदेश में एक बलिया डिस्ट्रिक्ट है, बलिया जिला है. बलिया जिले के तीन चीज बहुत फेमस है, बाकी भी चीजें हैं. बलिया जिले के जब भी नाम आता है तो एक तो आदरणीय मंगल पांडे जी का नाम आता है, एक आदरणीय चित्तू पांडे साहब का नाम आता है, और एक आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम आता है, ठीक है. चलिए आगे लिखा है कि यह ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है. मंगल पांडे लाजमी से बात है, पांडे ब्राह्मण ही है. हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फैजाबाद के गांव सुरहपुर में भी इनका जन्म हुआ. कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोवर्सी मत पड़िएगा, ज्यादा बलिया ही पूछता तो बलिया ही टिक करना है, कंट्रोवर्सी मत जाना, कई जगह पे अलग अलग थोड़ा सा लिखा रहता है, ठीक है. चलिए आगे देखिएगा मंगल पांडे जी के बारे में, मंगल पांडे बागी की एक कहानी. 19 जुलाई 1827 को जन्म, 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हुए. 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल होते हैं आप. उसके बाद में 1856 में आपका एक कारतूस इस्तेमाल होता है,
एक कारतूस इस्तेमाल होता है सेना में, कोई बात नहीं अभी आगे और पढ़ेंगे डीप में। फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जाती है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बगावत कर देते हैं और वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा, आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की भावनाओं से खेल रहे हैं, हिंदुस्तान के इमोशन को खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और 29 मार्च को वो मना कर देते हैं। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया जाता है। सिर्फ मंगल पांडे को फांसी पर नहीं लटकाया गया था, उस दिन हिंदुस्तान को फांसी पर लटकाया गया था। और जिस दिन ये जवान, जिस दिन ये वीर योद्धा स्वर्ग होगा, उस दिन यकीन मानिए हिमालय भी रो दिया होगा, शर्म से झुक गया होगा और गंगा मां भी रोई होगी। चले ये देखिए साहब, इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था, मैं धन्य और मैं इनके नमन करता हूं उनके पिताजी को जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। मम्मी का नाम था अभय रानी, ठीक है। चलिए, मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मंगल पांडे, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ते चलेंगे। मंगल पांडे एक भारतीय सिपाही थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के तुरंत बाद होने वाले आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। क्वेश्चन कई बार पूछता है, क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन मंगल पांडे साहब के बारे में जानना होगा। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप ये वीडियो इस कारण से नहीं देख रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, वो तो ठीक है, बात की बात है, आप इस वीडियो इस कारण से देख रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, आप ये समझना चाह रहे हैं कि कौन था मंगल पांडे जिसने हमारे लिए जान दे दी। चलिए नेक्स्ट देखिए साहब, ये देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। ये देखिए, एक डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे, ये देखिएगा, जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P-53 राइफल में नए कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, कारतूस गोली मान लो उसको काटना पड़ता था मुंह से, और कहते कि उसमें सूअर की चर्बी थी, ठीक है ना, गाय और सूअर की चर्बी होती थी जो कि हिंदू मुसलमान दोनों के लिए गंभीर धार्मिक विषय था, आपके रिलीजियस भावनाओं से जुड़ा था, फीलिंग से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण से नाराजगी बढ़ गई। और आगे देखिएगा कि 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इंकार कर दिया। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। मंगल पांडे ने राइफल से अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया और पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया। ये थे मंगल पांडे, है ना, मैं झुकूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है वही वाली बात थी, ठीक है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम उस हिंदुस्तान के, मैं यकीन मानिए मेरा कहते हुए हो सकता है इमोशन रो ना दूं मैं, हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां पर भगत सिंह पैदा हुए हैं, हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहां पर मंगल पांडे पैदा हुए हैं, गौतम बुद्ध की भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि है, यकीन मानिए कोई मेरे पुराने जन्म के पुण्य रहे होंगे जो मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और आप इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए और गर्व से बोलो भारत माता की जय। चले आगे देखे साहब, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किए जाने के एक महीने बाद ही 10 मई को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हुई और यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखे साहब, नेक्स्ट देखेगा, इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा 6 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 6 नहीं 8 होना चाहिए था, 8 अप्रैल है, ठीक है। चलिए एक बार चेक करते हैं, एक मिनट रुकना, एक बार चेक करो, 8 अप्रैल था, 6 कहां से हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल 8 अप्रैल 6 अप्रैल टाइपिंग मिस्टेक है, 8 अप्रैल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहब, फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी लेकिन अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। हां भैया बिल्कुल सही है, तो पीछे फिर क्या लिखा था, अच्छा बिल्कुल ये सही है, अब ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये सही है। देखो इसमें ये लिखा है कि इनको 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और जो सजा सुनाई गई थी 6 अप्रैल को, उसमें कहा गया था कि 18 अप्रैल को इनको फांसी दी जाएगी लेकिन 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई, मतलब सजा सुनाने के 2 दिन बाद और सजा होने के 10 दिन पहले फांसी दे दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में को फांसी
दे दी गई। क्लियर, ये था आदरणीय मंगल पांडे के बारे में। मुझे मालूम है आपको लगेगा कौन है मंगल पांडे, जो लोग नहीं जानते होंगे आप जानिए। और मंगल पांडे साहब पर एक मूवी बनी है जिसमें आमिर खान ने मंगल साहब पांडे साहब का रोल प्ले किया है, यकीन बहुत अच्छी मूवी है, एक बार देखिएगा, उससे और भी मंगल पांडे को जानने का प्रयास कर पाएंगे आप। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो इस कारण से लाइक मत कीजिएगा कि यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या क्लास में नॉलेज मिला, वीडियो इस कारण से लाइक कीजिएगा क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात थी, हिंदुस्तान की इज्जत और सम्मान की बात थी। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय, गुड नाइट।